Dear students, in this module, we are going to discuss the role of multinational corporations in maintaining the global stratification. Multinational corporations or MNCs are large corporations that operate in multiple countries and often have significant political and economic power. Your multinational companies hoti hain, वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या पॉलिटिकल एजेंसीज़ होती हैं आ, इसके साथ साथ वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है उसको कंटिन्यू रखती हैं लेकिन इसके बड़े दूर रस पोलिटिकल असरात होते हैं जो किसी भी सोसाइटी के ऊपर मुरतब होते हैं मल्टीनेशनल नेशनल कंपनीज़ जो हैं चूके एक से ज़्यादा अंदर वर्क कर रही होती हैं अपने एक्नॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म कर रही होती हैं इस वजह से जो उनकी जो इंटरकनेक्टिविटी होती है उसके हवाले से भी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजिक होती हैं उनके पोलिटिक ना सिर्फ उनके पोलिटिकल सेटअप के अंदर इनका एक ख़ास रोल होता है बल्कि ये यहाँ तक भी डिटरमिन कर सकती हैं कि कैसे वहाँ की जो फाइनेंशियल एक्टिविटी है उसको इन्फ्लुएंस किया जा सके सो मल्टा कॉरपोरेशन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ग्लोबल स्ट्रेटिफिकेशन By exploiting the resources and labor in less developed countries and influencing the political and economic policies, तो ये जो मल्टाइनेशनल uh, कंपनीज़ होती हैं इनका जो की फोकस होता है वो अपने लिए मुनाफा बनाना होता है और इनको इस बात से या uh, इनको इस चीज़ से गर्ज नहीं होती है कि किसी भी कंट्री के अंदर जो उसके हालात वाक़ हैं उनको किस तरह से या किस कॉन्टेक्स के अंदर देखना चाहिए या देखा जाना चाहिए या उनकी मॉरल या एथिकल वैल्यूज़ को जो है वो एक्सप्लॉयट किए बग़ैर हम किस तरह से फंक्शन कर सकते हैं बल्कि इनका जो मेजर फोकस होता है वो ऐसी एक्नॉमिक एक्टिविटी प्रोड्यूस करना होता है जिसके ज़रिए वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकें तो चूँकि ये ग्लोबलाइज वर्ल्ड के अंदर इनकी एक बड़ी हाइजमोनिक पोजीशन होती है बड़ी स्ट्रेटजिक पोजीशन होती है इनके अपना इन्वेस्टमेंट को अगर ये किसी भी कंट्री से बाहर निकाल लें और या उसको थ्रेट करें कि हम आपकी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो ये एक हैवी फाइनेंशियल लॉस कंसीडर किया जाता है उस कंट्री के लिए सो so, मोहला जो लो इनकम कंट्रीज़ होती हैं उनको इस तरह की फेवरेबल पॉलिसीज़ बनानी पड़ती हैं जिसमें कि इन एमएनसीज़ को पोटेंशियली बेनिफिट हो और वो उस कंट्री के अंदर आ, ना सिर्फ इन्वेस्ट कर सकें बल्कि उस कंट्री में अपनी इकनॉमिक एक्टिविटी को जो है कंटिन्यूसली जनरेट भी कर सकें लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान जो होता है वो लोकल इकॉनमी को होता है उस लोकल इकानमी से जुड़े हुए लोगों को होता है ख़ास तौर पर जब ये चीप लेबर को एक्सप्लॉइट करते हैं रॉ मटेरियल को एक्सप्लॉयट करते हैं और एक्सप्लॉइट करके जो कमोडिटीज़ प्रोड्यूस करते हैं वो अगर वापस उन्हीं कंट्रीज़ के अंदर ये लोग बेचें तो कई गुना ज़्यादा मुनाफ़ा के साथ बेचते हैं सो so, पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन हैं जो काम कर रही हैं हाउ एवर दे हैव बिन क्रिटिसाइज फॉर दे रोल इन परपैचुएटिंग इन इक्वालिटी एंड एक्सप्लॉइटिंग द रिसोर्स एंड चीप लेबर एंड पर्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ टेक्सटाइल एंड एग्रीकल्चर सेक्टर तो बहुत सी मल्टाइनेशनल ऑर्गनाइजेशन हैं जैसे कि यूनिलीवर है प्रोक्टन गैम्बल है नेस्ले है टोटा uh, है या पेप्सिको है कोका कोला है ये सारी जो मल्टाइनेशनल कंपनीज़ हैं पाकिस्तान में फंक्शन कर रही हैं लेकिन इट्स फूड फॉर थॉट फॉर यू आप ये देखें कि कोई भी एम जो है वो पाकिस्तान में किस तरह से फ़ंक्शन करती है और पाकिस्तान के ओवरऑल जी के ऊपर उसकी इस इकोनॉमिक एक्टिविटी का या उसकी इस इन्वेस्टमेंट का क्या रोल होता है और मोर इम्पॉर्टेंट ये कि कैसे पाकिस्तानी गवर्मेंट जो है वो उनके लिए रिलेटिवली फेवरेबल पॉलिसीज़ बनाती है और क्या वो पॉलिसीज़ जो हैं वो आम लोगों के लिए ख़ास तौर पे जो छोटा कारोबारी तबका होता है उनके लिए किस हद तक एक्सप्लोइटेटिव होती हैं सो इट्स अ फूड फॉर थॉट फॉर यू